स्टूडेंट, आपके सामने जो आज वीडियो है वो केमिस्ट्री का है। उप सह संयोजक आईपीएसी नामकरण आप समझते हैं, आपके पेपर में ये 2 अंक का 4 अंक का आ सकता है, तो जरूर आएगा, 100% आएगा। तो जरूर आप इसको एक बार देख लीजिए। आपको अगर कहीं से नहीं पता चला है कि कैसे निकाला जाता है, इसका नाम कैसे किया जाता है, तो आपके सामने अभी इजी तरीके से हो जाएगा, एकदम आसानी तरीके से। तो एक बार पूरा वीडियो देखना है, बस आपका काम हो जाने वाला है। देखिए, इसका नामकरण जो होता है, आपको सबसे पहले इसमें कुछ आपके यहाँ पर देख लीजिए, कुछ तत्व के और कुछ लिगेंड के, यहाँ पर कुछ लिगेंड के आपके यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ है और उनका ये नाम है। और ये वो जैसे यहाँ पर एक्स जो लिखा हुआ है, एक्स के अंदर मतलब एक्स क्या है, हाइलोजन का संकेत है। यहाँ पर हाइलोजन में जो आते हैं कौन कौन से तत्व आपके मेन है, यहाँ पर Cl Br I F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये 4 तत्व तो आपके हाइलोजन समूह के हैं। इनको हम हाइलाइडो बोल सकते हैं, या अगर इनको लिखना भी हो, क्लोरीन को हम क्लोरीडो, ब्रोमीन को हम ब्रोमीनो, और इसी तरीके आयोडीन को आयोडीन, तो इस तरीके फ्लोरीन, तो हम उसको नहीं हाइलाइडो लिख देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि लिगेंड में हमें क्या करना है कि ओ जोड़ के नाम लिखना है, उनका नाम जो लिखा जाएगा ना उसमें हम ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं वीडियो ना, तो हमारा एक वीडियो है सह संयोजक का, 2 वीडियो होगा, पिछले हर साल बनाते हैं, तो एक वीडियो भी जस्ट पीछे ही बनाए ही हैं, उसको भी हम देखिए स्क्रीन पर लगा देंगे, उसको देख लेना, एकदम डिटेल कंप्लीट पता है, इसका फार्मूला सही से समझाएं कैसे बनाना होगा। फिर भी यहाँ पर जो हम बताएंगे आपको यहीं से समझ में आ जाएगा पूरा, अगर वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट देखिएगा कैसे आपको ये नामकरण किया जाएगा, बाकी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका एक तत्व है Fe, और ये आपका एक ब्रेकेट लगा हुआ है, इस ब्रेकेट को ध्यान दीजिएगा, यही आपका काम करेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर ये ब्रेकेट बंद हो गया, और यहाँ पर आपका इसका नामकरण करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, आपको हम ज़्यादा इसमें कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे, अगर आपको ये पता है तो। देखिए इसमें आपको कैसे याद करना है, हाइलोजन के, साइनाइड के, नाइट्रो के, और कार्बनटो, और ये कार्बनटो है और ये ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो जिसको बोलते हैं, इन सब का देखिए एक एक किसका होता है, पहले इसको आप याद कर लीजिए, एक एक होता है हाइलाइड का, साइनाइड का और नाइट्रो का, एक एक हो गया, माइनस एक एक, और माइनस दो दो किसका होता है, जीरो किसका होता है, बस ऐसे दिमाग में बैठा लो, सभी का जीरो होगा, जितने यहाँ पर हैं दिमाग में लगाइए, तो जिसमें लाल लाल दिख रहा है देखिए, सल्फेट, एक्वाल, कार्बोनिल, एमिन, नाइट्रोसिल, ये ला वाले सब जीरो जीरो में है, सल्फेट के छोड़, तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए सल्फेट ऑक्सीलेट जो यहाँ पर ट, ये वाला देखिए सल्फेट ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट सवाला, ये सल्फेट इसको ऑक्सीलेट बोलते हैं, तो सल्फेट ऑक्सीलेट ये दोनों माइनस दो हो गए, इसी तरह कार्बोनेट ये हो, बाकी ऊपर सब माइनस है, थोड़ा सा यही दिमाग बैठा लेंगे। क्यों याद करवा रहा हूँ, इससे आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, ये ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखी हुई है, तो पूरे हमें पूरे इस यौगिक का हमें पूरा पूरा आईपीएससी नाम लिखना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जब ब्रेकर, जब जहाँ से देखिए ब्रेकर, ब्रेकर ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं, इसके जो इस साइड, इसके जो इस साइड, ये जिस साइड जो लिखा हुआ है, जो बाहर यहाँ पर तत्व, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन लिखा है और यहाँ पर क्लोरीन लिखा है, तो तत्व दो ही साइड लिखा रहेगा, ये दो ही साइड, ब्रेकर के इस साइड या ब्रेकर के इस साइड, ये जो तत्व लिखा हुआ है, इस तत्व का नाम उसी जगह लिख दीजिए, अगर इस साइड लिखा है ब्रेकर तो इस साइड लिख दो, और अगर इस साइड लिखा है तो इस साइड ले दो, जिस साइड वो लिखा हुआ है उसी साइड का हम नामकरण कर देंगे। जैसे देखिए इसमें इस साइड नहीं लिखा है, क्लोरीन इस साइड है, तो इसका नाम उसी साइड लिख देंगे। अब हम पहुंचते हैं ब्रेकेट में, ब्रेकेट में जब पहुंचेंगे तो जो एक तत्व होगा जो हमारा आगे ही होगा, यहाँ इस ब्रेकेट के पहले ही एक तत्व होगा, ये हमारा मेन तत्व, उसको हम मान के चलेंगे, जिस पर हमारे सारे लिगेंड जुड़े रहेंगे उनको हम देखेंगे, केंद्रीय धातु जो रहेगा उससे हमें देखना है कि हमारा कौन कौन से तत्व जुड़ा है, ये जो आगे रहेगा इससे हमें देखना है कौन कौन से तत्व लिगेंड जुड़ा हुआ है, उन सब लिगेंड को हम बैक टू बैक आएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे चल रहे, कुछ हम नियम नहीं बता रहे हैं, नियम वन पढ़ना है तो एक वीडियो और है उसको देखना, हम कोई नियम इसमें लेके नहीं कर रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं, आपके दिमाग बैठा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अब ये देखिए, जो ब्रेकर के बाहर इधर है उसको इधर लिखो, जो इस तरह इधर है इसको इधर लिखो, और ब्रेकर के अंदर जो यहाँ पर एक धातु है सबसे मेन इसको मानेंगे, और उसके बाद इन सब उसको छोड़ करके जितने भी हैं उन सबको लिगेंड मानेंगे, और लिगेंड को लिखेंगे। लिखने से पहले हमें दिमाग बैठाना है, हमें उनका संख्या लिखना है, क्या लिखना है, संख्या, संख्या कैसे लिखा जाएगा, एक एक के माने कुछ नहीं, एक को छोड़ देते हैं, एक माने कुछ नहीं लिखना है, दो के लिए हमें क्या लिखना है, डाई, दो के लिए हमें क्या लिखना है, डाई, और तीन के लिए
और चार के लिए आपको टेट्रा, पांच के लिए पेंटा और छह के लिए हेक्सा। ठीक है, ये चीज दिमाग में, ये संख्या लिखा जाएगा। संख्या फर्स्ट काम आपको संख्या लिखना है उसका, संख्या। संख्या के बाद सेकंड काम पे आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है, नाम लिखना है लिगेंड का। ठीक है, दूसरे पे क्या काम करना है, नाम लिखना है। नाम में हमें क्या जोड़ना है, ओ की मात्रा जोड़कर लिख देना है बस। आपको उसके बाद जाना, आ जाना है केंद्रीय धातु पर, उसके बाद आ जाना है केंद्रीय धातु पर, केंद्रीय धातु पे आ जाना। इसी स्टेप को काम करना है बस, दो ही काम। चलिए आप देखिए बना दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पहुंचते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं ये हमारा तत्व है, ये केंद्रीय धातु, इसको हम छोड़ देंगे। पीछे जल्दी से कौन जुड़ा हुआ, H2O जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है, H2O। H2O देखते हैं यहाँ पर है H2O। H2O अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्वा बोलते हैं। एक्वा कितना है, छह। पहले संख्या लिखेंगे, छह के लिए चलेगा हेक्सा लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे हेक्सा, एकदम आसान हो जाएगा। हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा हो गया ना। बताइए बताइए किसी को दिक्कत, एक्वा इस तरीके से, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। ठीक, ये पूरा कंप्लीट हो, बच रहा है यहाँ पर, ये बच रहा है ये। Fe को हम क्या बोलेंगे, आयरन, जो उसका नाम होता है, जो उसका धातु होगा इसका हम नाम लिख देंगे। जो हमारा लिगेंड होगा उसमें हम ओ का मात्रा जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पर लिखें। लेकिन इसमें हमें नहीं जोड़ना है, हेक्सा एक्वा कोई जरूरी नहीं, यहाँ तक के सभी में नाम में जुड़े हुए हैं, वैसे भी देख सकते। तो चलिए यहाँ पर आयरन लिख दिए। अब हमारा ये तो ब्रेकेट तक का काम हो गया, ब्रेकेट तक का काम हो गया है। अब इस जो ये ब्रेकेट वाला काम था, इसका हमें हमेशा इसके बाद जो हमारा लिखना होता है, क्या, आक्सीकरण संख्या। क्या लिखना होता है, आक्सीकरण संख्या। अब इसका हमें आक्सीकरण संख्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा, आक्सीकरण संख्या उसको दिमाग में देखिए। आक्सीकरण संख्या किसका निकालना होता है, जो हमारा मेन केंद्रीय धातु मानते हैं उसी को हम आक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है आक्सीकरण, पूरे तत्व को हम लिखेंगे, पूरे तत्व को लिखेंगे यहाँ से। Fe को हम एक्स मान लेंगे, प्लस लगाइए H2O। H2O की आक्सीकरण संख्या कितना है, तो हमारी संख्या कितनी है, H2O 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार है। ओके, H2O कितने बार है, 6 बार। और इसमें गुणा करेंगे इससे, इसकी आक्सीकरण संख्या से, इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है, इसको हम 0 से गुणा कर देंगे। फिर हम बाहर देखते हैं Cl है, Cl का अगर हम देखते हैं तो सबका -1 होता है, तो यहाँ ये कितना बार है, 3 बार, इसका गुणा करेंगे -1 से। सभी धातु को अलग अलग गुणा करेंगे, मतलब आप समझ आक्सीकरण संख्या, जो मेन होता है उसको एक्स मान लेंगे, बाकी सभी को जितनी संख्या हो उसको गुणा में करके उसकी आक्सीकरण संख्या से गुणा कर करके जोड़ दीजिए, उसकी आक्सीकरण संख्या कितनी बार है उसकी आक्सीकरण संख्या से गुणा करके जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स को एक्स रहने दीजिए, 6 0 0 हो गया, प्लस 3 -1 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब इसको हम एक्स यहाँ पर रहने देंगे, 0 मतलब कुछ, ए -1 तो 3 1 3 हुआ था, सॉरी 3 1 3 हुआ, ये 3 हमारा -3 = 0 ऐसे हुआ। एक्स बराबर ए उधर गया तो -3 + 3 हो गया, एक्स बराबर +3, तो ये जो +3 हुआ ना, अब यहीं पर हमारा लिखा जाएगा थर्ड के नाम से, ये थर्ड के नाम से। अब इसको क्लोरीन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं। बस इसी तरीके से इसका नामकरण करना है। किसी को कोई दिक्कत, शायद दिक्कत तो नहीं होगी, हमें लगता है कि दिक्कत नहीं होगी। हम एक नामकरण और आपके सामने करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए देखिए। ये आपका ब्रेकेट लगा, यहाँ पर आपका CO, उसके बाद आपका यहाँ पर H2O, H2O को रहने दीजिए, दूसरे CO, उसका ब्रैकेट में NH3, ब्रैकेट में 4, ब्रैकेट बाद होल 4, SO4, ब्रैकेट ये बंद। ये इस तरीके से इसका नामकरण करना, कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसे एंट्री करना, पहले चलिए आगे कौन सा मिला, ये ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट में ये जो मेन धातु मिला, तो हमारा कौन सा मिला, C मिल रहा है, O मिला। एक बात दिमाग बैठा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, जो कभी नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत क्या कर जाता है, CO और CO इनमें कोई अंतर दिख रहा है। देखिए ये CO कैपिटल लेटर में, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, और इसमें CO स्मॉल लेटर, तो ये कोबाल्ट है और ये C कार्बन और ऑक्सीजन है, ये हमारा अलग अलग है,
ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब आपका कार्बोनिल अलग तरीके से, इसलिए इन दोनों में फर्क जानिए कि छोटे लेटर में अगर तब कोबाल्ट मानना है, नहीं तो नहीं मानना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। अब हम चलते हैं बैक टू बैक चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये मिला और यहाँ पर ये मिला, लेकिन इससे पहले जुड़ा कौन सा है? पहले जुड़ा है इस CO से, CO से, हमारा जो यहाँ पर CO है इससे जुड़ा कौन है? तो यहाँ पर CO, अब मूलक मतलब केंद्रीय धातु में CO तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये गलत होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? ये वाला CO होगा, छोटा होगा। CO लिखा तो गलत लिखा, क्यों क्यों उस तरीके से होगा? तो हम क्या करेंगे, इससे जुड़ा हुआ है, पहले कौन सा जुड़ा है? ये वाला जुड़ा है, इसका नाम क्या है? NH3 को बोलते हैं एमीन। अब कितनी बार है? चार बार। चार बार के लिए हमें क्या लिखना होगा? चार बार के लिए टेट्रा, यहाँ लिखेंगे एमीन, टेट्रा एमीन, ये टेट्रा एमीन हो गया। टेट्रा एमीन के बाद अब हम चलते हैं इस पे पहुंचते हैं, ये SO4, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो सल्फेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सल्फेटो, ओ की मात्रा लगा के लिखेंगे, सल्फेटो हो गया। सल्फेटो के बाद हमारा नाम ये आ जाता है कोबाल्ट, इसका नामकरण करिए पहले कोबाल्ट, ये हो गया। अब इसकी अक्षीकरण संख्या लिखेंगे तब इसको लिखेंगे, पहले इसके इसके सब संख्या लिखेंगे। कैसे निकाला जाएगा अक्षीकरण संख्या? देखिए, इसको मानेंगे एक्स, इसको मानेंगे प्लस, इसके बाद चार बार ये है और इसका अक्षीकरण संख्या में स्थिरी का अक्षीकरण संख्या 0 होता है, 0 बार गुणे प्लस SO4, SO4 का डायरेक्ट होता है -2, ये -2 हो गया, और ये प्लस, इसके बाद एन NO3, क्या है? NO3, NO2 है। अब NO3 को आपको अलग अलग तरीके से तो निकालना पड़े, तो NO3 तो है नहीं, इसलिए NO3 का हम अलग तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रेट है, क्या है? नाइट्रेट। तो इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या का निकालना होगा, तब हम सबसे पहले इसका हमें नाइट्राइड है, नाइट्रेट कहीं इसमें लिखा नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इसका हम ऑक्सीकरण संख्या 1 लिख देते हैं, कितने लिख देते हैं? ठीक, कैसे वो आप ऐसे समझ लीजिएगा। अब हमारा बार, इसके बाद 0 बराबर 0, तो इसको एक्स माना, ये 400 हो गया, प्लस ये -2 हो गया, और ये प्लस -1 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो एक्स -2 और ये 3 -3 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 3। एक्स बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, और 3 बार के लिए हमारा कितना हो जाएगा? इसके बाद हमारा ये क्या है? ये क्या हमारा है? नाइट्रेट। हम यहाँ थर्ड नाइट्रेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे? नाइट्रेट, थर्ड नाइट्रेट लिख देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। और नामकरण करते हैं अगर, तो देखिए ब्रेकेट NI और उसके बाद NH3 6, ब्रेकेट बंद, CN2, ये हो गया। इसका नामकरण करना है, कोई दिक्कत नहीं, इधर सेंट्री करेंगे, कोई पहले तो है नहीं, पर ब्रेकेट तब तो है नहीं, हम पहले यहाँ पर पहुंचे केंद्रीय धातु, इससे कौन जुड़ा है? ये जुड़ा है, जो जुड़ा हो पहले आप ऐसे चलिए, उसको जो जुड़ा हो उसको जुड़िए, ये सब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे उसको लिगेंड है, तो प्राथमिक लिगेंड और द्वितीय लिगेंड ऐसे चलेंगे। तो हमारा इसमें देखते हैं ये है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, पहले हम इसको देखते हैं क्या है? एमीन है, क्या है ये आपका? एमीन है। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, कितनी बार है? 6 बार। तो इसको हम हेक्सा एमीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेक्सा हेक्सा एमीन। अब ये हेक्सा एमीन है, ठीक है, तो हेक्सा एमीन हो गया। उसके बाद क्या है? निकिल है। उसके बाद क्या है? निकिल, निकिल है। निकिल के बाद हमें क्या लिखना होता है? पहले ऑक्सीकरण संख्या, तब हमारा क्लोराइड लिखना पड़ेगा, तब हमारा क्या लिखना पड़ेगा? क्लोराइड, क्लोराइड, यहाँ पर संख्या लिखनी पड़ेगी। पता है कैसे लिखे जाएगा? देखिए, इसका हम मानेंगे एक्स, प्लस लगाइए NH3 को, अगर हम देखते हैं 0, तो 6 बार हमारा 0 हो गया, 6 बार हमारा 0 हो गया। फिर प्लस लगाए यहाँ पर आपका क्लोरीन, क्लोरीन का आपका 2 बार है, -1 बार गुणा कर देंगे, -1 बार बराबर 0, यहाँ एक्स रहेगा, ये प्लस 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -2 आ जाएगा और बराबर 0, तो एक्स -2 बराबर 0,
एक्स बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, कितना आ जाएगा 2 बार, तो ये आपका हो जाएगा आईपीएस इनाम इस तरीके से। अब रही बात इसमें से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपकी कमजोरी है, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है, एक हम और लेते हैं जिसमें आगे रहता है, जिसमें आपके लिए आगे कोई तत्व हो, मैं उसको लेके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये K4, फिर ब्रैकेट में Ni, फिर ब्रैकेट में CN, ब्रैकेट बंद 4, और इस तरीके से ये इसका नामकरण करना है। देखिए सबसे पहले आगे मिल गया, जब आगे मिल गया है तो इसका नाम हम यही लिख देंगे, तो पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। फिर हमारा ये ब्रेकट आया, ब्रेकट में पहले हम क्या लिखेंगे, जो केंद्रीय, जो जिससे केंद्रीय धातु से जुड़ा हो, जो लिगेंड उसको लिखेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे। तो हमारा क्या है, ये हमारा साइनाइड है, साइनाइड है कितनी बार है, 4 बार, 4 बार के लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा क्या है, साइनाइडो, यानी साइनो हम लिख सकते हैं, साइनो या साइनाइडो लिखें। उसके बाद हमारा क्या है, तो निकिल है, तो हम निकिल को लिख देंगे, निकलेट लिख देंगे, एट लगा के निकलेट। अब कितनी बार इसका आपसीकरण संख्या क्या लेंगे, आपसीकरण संख्या देखिए कैसे निकाला जाएगा, इसको हम मानते हैं पहले हम के को कितना, -1 मानेंगे, गुणा 4, ये प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस साइनाइड का अगर हम देखते हैं उधर कितना है, -1, 4 में हम -1 का गुणा कर देंगे, ये बराबर 0, इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। ये एक तो +1 होता है, सही है, +1 4, ये +4 एक्स -4 बराबर 0, 4 में 4 गया 0, तो 0 प्लस x बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 0, मतलब इसमें हमारा आपसीकरण संख्या क्या होगा, 0, इस तरीके से हमारा 0 हो जाएगा। तो कुछ आपसीकरण संख्या आपको थोड़ा सा संयोजकता याद कर लेंगे तब भी आपको काम हो जाएगा, लेकिन इनको तो आपको याद कर लेना है बस, शॉर्टकट तरीके से। इस तरीके से आपको उस संयोजक बंधवाला बना लेना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना है, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आगे नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपके लिए हम अच्छे से मैटर लेकर आएंगे। तो प्लीज हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए लीजिए, जिसमें हम PDF इसका सबका डाल देते हैं वहाँ पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ उसको भी देख लीजिएगा, और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा, तो सारे क्लास के और इंग्लिश का एकदम अच्छा समय एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कंप्लीट आपको बता दूंगा कौन कौन सी टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें आपको रेडी कर लेना है, थोड़ा सा हो जाएगा। ओके, तो जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आगे जो भी करना हो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड।